हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिंपली रेसिपीज एंड फन बास्केट। आज हम बनाएंगे चने की दाल, थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे। चना दाल हम सभी बनाते हैं, लेकिन मेरे इस तरीके से बना के देखिएगा, दाल का स्वाद थोड़ा अलग होगा। और रेसिपी पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, और जो नया है मेरे चैनल पर प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया, सभी सब्सक्राइबरों को दिल से शुक्रिया। अभी यहाँ पे मैंने कुकर बिठा दिया, कुकर में बनाएंगे, एकदम इजी तरीके से बनाएंगे। तो 2 टेबलस्पून के करीब तेल और 1 टेबलस्पून बटर, उसमें ड्राई रेड चिल्ली, तेज़पत्ता ये डाल दिया, और एक दालचीनी के टुकड़ा, और इलाच, थोड़ा सा क्यूमिन की छौंक लगा दी, जैसे 2 पिंच की करीब लगा के थोड़ा चला देंगे। अभी दे दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट। जिंजर गार्लिक पेस्ट को 2-3 मिनट के लिए चला दिया। अभी दे दिया 2 मीडियम साइज के प्याज को चॉप करके रखा। प्याज को थोड़ी देर भूनने दिया, जैसे देखिए गोल्डन ब्राउन कलर हो गया, कच्चापन पूरा चला गया प्याज से। तब जाके डाल देंगे 2 मीडियम साइज के टमाटर को चॉप करके मैंने डाला। डाल के थोड़ी देर पकाएंगे, जैसे टमाटर अच्छे से नरम हो जाए। बीच में 2-3 ग्रीन चिली भी डाल दी, थोड़ा सा नमक डाल दिया, जैसे और जल्दी जल्दी टमाटर सॉफ्ट हो जाए। इसलिए जैसे देखिए टमाटर पूरा मैश हो चुका है, गल चुका है। अभी हम लोग डाल देंगे सूखा मसाला, जैसे 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून छोटे चम्मच के साथ डाल रहे, 1/2 कोरिएंडर, 1/2 क्यूमिन डाल दिया। डाल के थोड़ा चला लेंगे, थोड़ा सा ढक दिया 2-3 मिनट के लिए। अभी दे दिया यहाँ पे मैंने 1 टीस्पून मैंने सांभर मसाला डाला। आप चिकन मसाला भी डाल सकते हो, डाल के देखिएगा, दाल के स्वाद बढ़िया आएगा। और कसूरी मेथी 1 टेबलस्पून और थोड़ा सा कोरिएंडर चॉप करके रखा। डाल के जस्ट चला देंगे, जैसे मसाला देखिए अच्छे से भून चुका है हमारा। अभी डाल देंगे 1/2 आवर मैंने सोक करके रखा था चना दाल, 1 कप चना दाल है यहाँ पे, सोक करके थोड़ा ज़्यादा हो गया, 250 ग्राम के करीब। चना दाल को मसाले के साथ 2-3 मिनट तक भून लेंगे। अभी डाल देंगे गरम पानी, मैंने यहाँ पे 1 कप चना दाल के साथ 3 कप मैंने पानी डाला। तब जाके हमारा मेरा कंसिस्टेंसी थोड़ा सा पानी रहेगा और एकदम ज़्यादा भी सूखा नहीं होगा। डाल के हम लोग लेड बंद कर देंगे और 2 व्हिसल लगाएंगे। अभी आप दाल की क्वालिटी समझ के लगाइएगा। अभी देखिए कितना मज़ेदार दाल तैयार हो गया, और रोटी चावल पराठा सबके साथ आप परोस सकते हैं। तो दोस्तों रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन पर प्रेस कर दीजिएगा, और जो मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ऐसे दाल बना के घर में सबको खिलाइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।